हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, ये वीडियो सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है। सीएमए फाइनल के वो स्टूडेंट्स जो कि ग्रुप थ्री का अटेम्प्ट देने वाले हैं, हो सकता है दोनों ग्रुप थ्री ग्रुप फोर दोनों का दे रहे हैं या ग्रुप थ्री का दे रहे हैं। बेसिकली ग्रुप थ्री के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है लॉ, पेपर नंबर 13। और आपको पता है बच्चों, अब जुलाई 2023 के अंदर आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1.5 महीना बचा हुआ है। मुश्किल से अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर 40-45 दिन आपके बचे हुए। तो हम आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं सीएमए फाइनल लॉ के अंदर जिनका एग्जाम के अंदर वेटेज सच में अच्छा खासा होता है, जिनको हमें पढ़ लेना चाहिए अच्छी तरह से। तो मैं ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि हमारे पास में ओल्ड सिलेबस पे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं इसको बताने के लिए काफी सारा डेटा अवेलेबल है, क्योंकि ओल्ड सिलेबस काफी टाइम से चला हुआ आ रहा है और उसके काफी बार अटेम्प्ट हो चुके हैं। बच्चों ने क्वेश्चंस दिए, पेपर दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बता सकते हैं कौन सा चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा। न्यू सिलेबस, अब पहली बार न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस का अटेम्प्ट लगेगा, पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो उस तरह से देखा जाए तो हमारे पास में बहुत ज्यादा तो अवेलेबल नहीं है डेटा की भैया हम बता सके न्यू सिलेबस में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर हम डेटा के बेसिस पर चलें, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है। बट बच्चों, न्यू सिलेबस का लॉ और ओल्ड सिलेबस का लॉ काफी हद तक सेम है। मैं ये नहीं बोलूंगा पूरा सेम है, क्योंकि काफी कुछ अलग है उसमें, डिफरेंट है, बट हाँ काफी हद तक सेम है। और चैप्टर काफी, चैप्टर के नाम सेम है, अंदर का कंटेंट वाले ही अलग है, चैप्टर के नाम से। तो उस बेसिस पर हम देखेंगे कि न्यू सिलेबस जो है उसके अंदर भी कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर जो है वो मेन वेटेज लेकर कैरी करता है। तो न्यू सिलेबस के अंदर हम ये इसी बेसिस पर देखेंगे कि ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस का काफी हद तक कोर्स सेम है। ओल्ड सिलेबस में जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनमें से कुछ चैप्टर न्यू सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट है और बाकी कुछ डिफरेंट भी है न्यू सिलेबस। तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करता हूं तो ओल्ड सिलेबस आपका जो सब्जेक्ट है सीएमए फाइनल लॉ के अंदर, ओल्ड सिलेबस तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका सेक्शन ए, जिसके अंदर एक तो आ जाता है कंपनीज एक्ट और एक आ जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सेकंड है बच्चों आपका सेक्शन बी, जिसके अंदर आपके वो अलाइड लॉज आ जाते हैं, अदर लॉज। और थर्ड है बच्चों आपका सेक्शन सी, जो कि आ जाता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ये टोटल आपका 60 मार्क्स का है सेक्शन ए, क्लियर है? ये आपके 25 मार्क्स का है और ये आपके 15 मार्क्स का है। इस तरीके से टोटल मिलाकर ये 100 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। हम एक एक करके देखेंगे कि, और चैप्टर्स बहुत सारे हैं लॉ सब्जेक्ट के अंदर, बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। और अब तो आपके एग्जाम में लॉ का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा खासा आने लग गया है, मैं डिफिकल्ट बोल सकता हूँ इसको, एवरेज में अगर लेके चलूँ तो डिफिकल्ट की तरफ ज्यादा ये पॉइंट करता है ना। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कंपनीज एक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट। देखिए ये टोटल जो आपका 60 मार्क्स का है, इसमें कंपनीज एक्ट तो आपका 50 नंबर का है और आईबीसी आपका 10 नंबर। तो सबसे पहले सेक्शन ए में देखेंगे, आप चाहे तो लिख भी सकते सेक्शन ए के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंपनीज एक्ट की बात करूं बच्चे, तो आपका चैप्टर वन जिसका नाम है कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर थ्री डिविडेंड, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी, पिछले लास्ट अटेम्प्ट में भी अच्छा खासा क्वेश्चन आया।
उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 4। एक चीज बता दूं बच्चे, चैप्टर 4 जो है आपका कंपनीज एक्ट में, उसका नाम है अकाउंट्स एंड ऑडिट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में वो ऑडिट का पार्ट। तो एक तो चैप्टर 1 जो आपका कंपनीज इनकॉर्प फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन है, सेकंड चैप्टर 3 डिविडेंड है, नेक्स्ट चैप्टर 4 ऑडिट है, अकाउंट्स एंड ऑडिट में से ऑडिट पार्ट। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड, डायरेक्टर चैप्टर है, डायरेक्टर एंड देयर मैनेजरियल पर्सन। और नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 6 जो कि बोर्ड मीटिंग के बारे में बात। कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और कंपनीज एक्ट कितने नंबर का है मैं दोबारा से आपको देखो यहाँ पे और क्लियरली लिख देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेक्शन A में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन A के अंदर भी सबसे पहले हम कंपनीज एक्ट देख रहे हैं जो कि 50 नंबर का है। उसमें मैंने आपको बताया एक तो जो आपका चैप्टर 1 है कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 है डिविडेंड, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 अकाउंट्स एंड ऑडिट में से ऑडिट पार्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 5 है डायरेक्टर। नेक्स्ट आपका चैप्टर 6 है बोर्ड मीटिंग। ये 5 चैप्टर हैं, सेकंड चैप्टर तो मैंने स्किप कर ही दिया, ये 5 चैप्टर हैं बच्चों। ये पांचों की पांचों चैप्टर कंपनीज एक्ट जो कि 50 नंबर का है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ये बोल सकते हैं कि इन 5 में से कम बच्चों 30 से 35 मार्क्स का एग्जाम में आप 30 मार्क्स लेकर चलिए। तो सेक्शन A कितने मार्क्स का है? सेक्शन A टोटल आपका 60 नंबर का है, उसमें से 50 नंबर का तो कंपनीज एक्ट है और 10 नंबर का है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तो साथ में प्लस हो जाएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। टोटल आपके 40 मार्क्स हो गए। जो आपका सेक्शन A टोटल 60 मार्क्स का है, उसमें आपने कुल मिलाकर 6 चैप्टर पढ़े, 5 चैप्टर तो कंपनीज एक्ट में से और 1 चैप्टर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। टोटल मिलाकर आपने 6 6 चैप्टर पढ़े हैं, और उनमें से आउट ऑफ 60 मार्क्स कम से कम 40 मार्क का पेपर में आता है, कम से कम 40 मार्क्स का आ जाता है। ये सेक्शन A की बात हुई, बहुत सारे चैप्टर में से 6 चैप्टर पढ़ लो। अब चलते हैं सेक्शन B पर जो कि आपके 25 मार्क्स का है। उसमें से एक तो आपको पढ़ना है सेबी एक्ट, फिर आपको पढ़ना है, और सेबी का ये पूरा एक चैप्टर है, हालांकि हमने जो क्लास में पढ़ाया उसको डिवाइड करके अलग अलग चैप्टर में पढ़ा दिया ताकि बच्चों के लिए सही रहे, बट आपको एक तो पढ़ना है सेबी एक्ट, एक पढ़ना है प्यारे बच्चों सेबी की एलओडीआर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एक पढ़ना है बच्चों आईसीडीआर। सेबी के और भी चैप्टर हैं आपके कोर्स में, बट ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपको सेबी के। उसके अलावा कंपटीशन एक्ट एंड फेमा, ये 5 चैप्टर पढ़ जाओ बच्चे। ये 5 चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ जाते हैं तो 25 में से कम आप ये लगा लीजिए 15 मार्क का आपका एग्जाम में आ ही जाता है। तो 40 मार्क्स हमने सेक्शन A से लिए और 15 मार्क्स हम यहां से लेते हैं, हमारे 55 मार्क्स का पेपर यहाँ अटेम्प्ट हो जाता है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो आप पूरा कोर्स पढ़ के जाइए, हमेशा सजेशन हम यही देते हैं, पर क्योंकि अब लास्ट आपका टाइम बचा हुआ है, 40 45 दिन बचे हुए हैं, जुलाई में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो उस वजह से बच्चों सेक्शन A के अंदर 6 चैप्टर और सेक्शन B के अंदर 5 चैप्टर, टोटल 11 चैप्टर हुए अभी तक। और फिर सेक्शन C जो कि आपके 15 नंबर का है, उसके अंदर है ही टोटल 2 चैप्टर, वो दोनों की दोनों अगर आप पढ़ जाते हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल एनवायरमेंटल
इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों चैप्टर पढ़ जाते हो तो 15। तो 55 मार्क्स का हमने सेक्शन ए सेक्शन बी से देखा और 15 मार्क का यहां से अगर हम ले जाते, आप ये लगा लीजिए 70 मार्क का पेपर हमने यहां पर अटेम्प्ट कर। ये मैं तब बोल रहा हूं जब सिर्फ इतना बड़ा लॉ का कोर्स है उसमें सिर्फ आपने 13 चैप्टर्स पढ़े हैं। इसमें अगर लगा लो हमारी किस्मत बहुत ही बेकार है और सीएमए ने और हमने जो चैप्टर बोले इसमें से और कम क्वेश्चंस दिए, 10 नंबर और हम डिलीट कर देते हैं, तो भी आप 60 मार्क का पेपर अटेम्प्ट बहुत इजीली करके आ रहे हो। सिर्फ 13 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से पढ़ रहे तो 60 मार्क्स का चैप्टर बहुत आराम से आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो अपने एग्जाम के अंदर, मतलब पास तो आप बहुत आराम से हो जाओ। लेकिन क्वेश्चन क्या आता, ये मैंने अभी ओल्ड सिलेबस के लिए बात, क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने ये तो बताया कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टोटल 13 चैप्टर्स आपने बताए, सेक्शन ए के अंदर आपने टोटल 6 चैप्टर बताए जिसमें से कंपनीज एक्ट में 5 चैप्टर और एक आईबी से, फिर आपने सेक्शन बी के अंदर 5 चैप्टर बताए और सेक्शन सी के अंदर आपने 2 चैप्टर बताए, टोटल आपने 13 चैप्टर बताए। हमें ये तो समझ में आ गया कि ओल्ड सिलेबस में फाइनल लॉ पेपर नंबर 13 में अगर ये 13 चैप्टर हम पढ़ जाते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हम कम से कम जो कि मैंने आपको 70 मार्क्स का बोला इसमें से 10 नंबर और डिलीट कर दो तो 60 मार्क्स का तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे 60 मार्क्स। मैं आपसे बोल रहा हूं बच्चों, मैं आपसे बोल रहा हूं स्टूडेंट्स कि अगर ये 10 नंबर का ये जो आप 13 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो 60 मार्क्स, ये पढ़ना कैसे है? क्योंकि अगर आप लास्ट अटेम्प्ट का कोई एग्जाम पेपर देखोगे ना तो उसमें आप देखिए सीए कोर्स से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सीए कोर्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपके सीएमए फाइनल में पूछे गए हैं। इसीलिए हम अपनी क्लासेस के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत कराते हैं, सीएमए के सीए के सबके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराते हैं। इसीलिए आपको जो हम नोट्स भी दे रहे हैं अब उसमें आप देखिए हम पूरा कंप्लीट सिलेबस रहता है, एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेनेशन रहता है, एमसीक्यूज रहते हैं, क्वेश्चन बैंक रहता है, सब कुछ दिया जाता है। पढ़ना कैसे है वो समझ लो, सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल में जो दिया हुआ है सीएमए के मॉड्यूल में जो दिया हुआ है सबसे पहले वो पढ़ना है, प्लस आपको सीएमए का प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो साथ में पढ़ने हैं उस चैप्टर के। सपोज करो आप चैप्टर 1 पढ़ने लगे तो चैप्टर 1 स्टडी मटेरियल में जो दिया है वो पढ़ो, अमेंडेड पढ़ना, अमेंडेड प्लस सीएमए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस उस चैप्टर के एमसीक्यूज प्लस सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ लो जो उस चैप्टर से बिलोंग करते हैं, तब जाकर आपने एक चैप्टर सही से पढ़ा। अब इनके टेस्ट दो। आपको पता है नॉर्मली हम इसीलिए नॉर्मली तो आप देखिए जो टेस्ट सीरीज रहती है जो एग्जाम से पहले कंडक्ट होती है उसमें तो टेस्ट सीरीज में तो क्या करा जाता है कि पहले हाफ सिलेबस का एक टेस्ट ले लिया, फिर अदर रिमेनिंग हाफ सिलेबस का एक टेस्ट ले लिया और फिर पूरे सिलेबस का एक टेस्ट ले, एक सब्जेक्ट के 3 टेस्ट लिए, उसमें भी हाफ आप 50 नंबर का पहले लिया, फिर 50 नंबर का पहले लिया, फिर पूरा 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का ले लिया, तो 3 टोटल टेस्ट हुए और टेस्ट सीरीज में आपको ये दे दिया गया। बट आपकी सही से पढ़ाई कब होती है? जब आप एक एक चैप्टर का डेडिकेशन के साथ में टेस्ट देते हो, हमेशा ही करते हैं, आपको पता है जिन्होंने बच्चों ने क्लासेस ली हुई है कि हर चैप्टर का टेस्ट होता है, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है कि किस तरह से एग्जाम में आपको आंसर लिखना है, ये सब चीजें जरूर। तो बच्चों हमने यहां पर आज की वीडियो में अभी तक हमने देखा ओल्ड सिलेबस के लिए सीएमए फाइनल लॉ के लिए कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और पढ़ना कैसे है। पहले स्टडी मटेरियल पढ़िए, फिर आप सीएमए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़िए, फिर आप एमसीक्यूज पढ़िए, फिर आप सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़िए, फिर उसके बाद में चैप्टर का टेस्ट दीजिए, अरे ये बात समझ में, और फिर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। ओल्ड सिलेबस के लिए आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए गए, अब हम आ जाते हैं न्यू सिलेबस।
बच्चों अगर आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात करोगे तो जितना ओल्ड सिलेबस में आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बताया गया, अभी मैंने जो बताया वो सब तो है ही, वो सब न्यू सिलेबस में भी है, चैप्टर ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा आपको टेक ओवर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, आपको एमएसएमई चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, और आपको जो साइबर लॉ वाला चैप्टर दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। मैं दोबारा से बोल देता हूं, जो न्यू सिलेबस के अंदर आप देखोगे तो ओल्ड सिलेबस में अभी तक मैंने जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, आप वो तो है ही। उसके अलावा प्यारे बच्चों और क्या पढ़ना है आपको, उसके अलावा आपको टेक ओवर चैप्टर पढ़ना है, उसके अलावा आपको एमएसएमई चैप्टर पढ़ना है, और उसके अलावा आपको साइबर लॉ, ये तीन चैप्टर और पढ़ने हैं, और पढ़ने का तरीका मैं आपको बता चुका। चाहे से आप बोलोगे सर हम तो न्यू सिलेबस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अरे ये सेम चैप्टर ओल्ड सिलेबस में भी तो है, वो वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो ना यार, वहां से भी तो क्वेश्चन आएंगे ही ना, आपको ये तो पता लगेगा सीएमए में किस तरह के, जब फाइनल एग्जाम में बैठते हो तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट के लिए एक तो देखा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और पढ़ने का तरीका देखा, और आप देखोगे बच्चों जो लास्ट आपका अटेम्प्ट हुआ दिसंबर 2022 का जो अटेम्प्ट हुआ था, जिसका पेपर 5 जनवरी 2023 को हुआ था, 5 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था बच्चों इसका, मैं आप अगर उसको, मैंने पहले वीडियो भी बनाई है, मैंने YouTube पर भी वो वीडियो डाली हुई है, अपलोड की हुई है, उसमें मैंने लाइव आपको दिखाया था कि सीएमए फाइनल का जो 5 जनवरी 2023 को लॉ का एग्जाम हुआ था उसके अंदर कम से कम 60 से 65 मार्क्स का सीए के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आया था, लाइव आपको वीडियो में मैंने दिखाया था। सीए वाला मैंने ओपन कर दी थी सप्लीमेंट्री शीट्स जो सीए की हैं, और सीएमए फाइनल का पेपर ओपन कर दिया था, और लगातार एज इट इज क्वेश्चन उठ के आए थे, नाम चेंज नहीं था, क्वेश्चन के अंदर जो नाम दिए हुए थे वो चेंज नहीं थे, डिजिट चेंज नहीं थी, एक एक चीज एज इट इज दी हुई थी। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास के अंदर, वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखे, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, हर हालत में पढ़ने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ यही पढ़कर जाओ, आप पढ़ के बाकी चैप्टर जाइए, पूरा कोर्स पढ़ना चाहिए, वही हमेशा सजेशन सजेस्टिव रहता है, एडवाइस यही रहती है, पर क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है तो उसके लिए बच्चों आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ये हैं। चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।